इन दिस मॉड्यूल डिस्कस ऑफ प्रोसेस इम्प्रूवमेंट सबसे पहले हम प्रोसेस इम्प्रूवमेंट की डेफिनेशन को देखेंगे और उसके बाद समझेंगे व्हाट आर द फेजेस विच आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस इम्प्रूवमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आ, अगर आपने प्रोसेस इम्प्रूवमेंट की टेक्निक को अप्लाई करना है तो सबसे पहले उसकी डेफिनेशन को हम जरा अंडरस्टैंड करें इट इज एन आस्पेक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डेवेलपमेंट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर डेवलपमेंट हो रही है और उन्होंने प्रोसेसेस से कॉस्ट कट करके अच्छी सर्विस प्रोवाइड करनी है तो दे हैव टू मेक श्योर दैट दे आइडेंटिफाई और उसकी बेस पे जो भी एनालिसिस के बाद जो भी सजेशन है उसको अप्लाई करके प्रोसेस को इम्प्रूव किया जाए इंक्लूड सीरीज ऑफ एक्शन टेकन बाय ए प्रोसेस ओनर प्रोसेस ओनर क्योंकि जनरली कंपनी के अंदर Uh, अगर एक प्रोसेस की हम बात करते हैं तो वो क्रॉस फंक्शन डिफरेंट डिपार्टमेंटल यूनिट्स इन्वॉल्व होंगे तो प्रोसेस ओनर जो उस प्रोसेस को कंप्लीट करने में इन्वॉल्व है दोज आर दीपल ओनर तो इट इंक्लूड सीरीज ऑफ एक्शन टेकन बाय द प्रोसेस ओनर टू आइडेंटिफाई सबसे पहले चीज है आइडेंटिफिकेशन उसके बाद एनालाइज एंड इम्प्रूव एग्जिस्टिंग बिजनेस प्रोसेसिस विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन तो तीन चीजों की बात हुई है आइडेंटिफिकेशन की एनालिसिस की और इम्प्रूवमेंट की आप उस वकत तक इंप्रूवमेंट की सजेशन नहीं दे सकते जब तक आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रोसेसिस एंड उसके अंदर जो प्रॉब्लम है वो आप नहीं अच्छे तरीके से समझेंगे तो जरूरत इस बात की होती है कि अगर आपने प्रोसेसिस को इंप्रूव करना है और फॉर एग्जाम्पल कस्टमर सर्विस इंप्रूव करनी है तो उसके लिए जरूरी है कि आप आइडेंटिफाई करें एनालाइज करें और उसके बाद जो सजेशन है उसकी बेस पे इंप्रूवमेंट जो भी डिजाइनर्स uh, है, हैं उन्हें बताएं ताकि प्रोसेस को अच्छे तरीके से मैप किया जाए और उसकी बेस पे जो भी इंप्लीमेंटेशन है उसको किया जाए दीज आर एफर्ट मेड टू मीट न्यू गोल्स अब जब आप आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं तो इट मीन्स के यू हैव ऑलरेडी डिसाइडेड कि कोई प्रॉब्लम एग्जिस्ट करता है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यू आर आइडेंटिफाइंग एनालाइजिंग एंड मेकिंग श्योर के उसे इंप्लीमेंट इस तरीके से किया जाए ताकि उससे इंप्रूवमेंट आए एंड ऑब्जेक्टिव सच एज इंक्रीजिंग प्रॉफिट तो वन ऑब्जेक्टिव कुड बी इंक्रीजिंग द प्रॉफिट अब वो प्रॉफिट कैसे होगा फॉर एग्जाम्पल अगर कोई एक प्रोसेस में बहुत ज्यादा टास्क बार बार आप कर रहे हैं तो डेफिनेटली कॉस्ट विल गो अप या कोई अगर रेप्लीकेट हो रहा है तो कॉस्ट विल गो अप अगर उसके अंदर कोई स्टेप आप रिमूव कर सकते हैं तो डेफिनेटली चांसेस आर कि कॉस्ट कम हो जाएगी एंड परफॉर्मिंग परफॉर्मेंस एंड रिड्यूसिंग कॉस्ट तो ऑब्जेक्टिव कुड बी इंक्रीजिंग द प्रोफिट रिड्यूसिंग कॉस्ट इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ द प्रोसेसिस एंड द आउटपुट इट जनरेट एंड इट इंक्लूड फोर फेज फर्स्ट फेज के अंदर व्हाट आर द एक्टिविटीज फर्स्ट एक्टिविटी इज प्राइमरी एक्टिविटी विच आर वैल्यू एडिंग तो प्रोसेस जब आप मैप करेंगे जब उसका फ्लोर चार्ट बनाएंगे तो यू हैव टू आइडेंटिफाई कि कौन से वैल्यू एडिड स्टेप्स हैं फॉर द कस्टमर एंड फॉर ऑर्गेनाइजेशन अब हो सकता है कि कुछ प्रोसेसिस के अंदर कस्टमर को तो बहुत अच्छी वैल्यू एडिड मिल रहा हो लेकिन ऑर्गेनाइजेशन को कोई बेनिफिट ना हो तो यू हैव टू आइडेंटिफाई वट आर दोर प्राइमरी एक्टिविटीज एंड देख एक्टिविटीज

उसको रिव्यू करें एंड आउटपुट कुड बी प्रोसेस फ्लो चार्ट एंड डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन वुड बी द इंटरप्रिटेशन ऑफ द प्रोसेस वर्क फ्लो जो आप बनाएंगे अब फेज टू के अंदर यू विल बी आइडेंटिफाइंग द पोटेंशियल इंप्रूवमेंट एरिया उसको आइडेंटिफाई करेंगे गैदर इंफॉर्मेशन फ्रॉम इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्सेज आइडेंटिफाई रिलेटेड वर्क प्रोसेसिज एंड प्रायोरिटाइज इंप्रूवमेंट प्रोसेस तो फेज टू इज एक्चुअली एनालिसिस फेज जिसके अंदर आप ये सारा काम कर रहे होंगे एन आउटपुट कुड बी मेजर प्रॉब्लम दैट आर कॉज बाय द एग्जिस्टिंग प्रोसेस कॉजेज ऑफ द प्रॉब्लम क्योंकि जब तक आप प्रॉब्लम को नहीं समझेंगे तो उसके कॉजेज की भी अंडरस्टैंडिंग मुश्किल हो जाएगी एंड देन टारगेटेड वर्क प्रोसेसिस के एग्जिस्टिंग प्रोसेस से जो आप नया प्रोसेस डिजाइन करने जा रहे हैं जो आपने आइडेंटिफिकेशन स्टेज के ऊपर आइडेंटिफाई कर लिया था उसके अंदर क्या क्या इंप्रूवमेंट्स होंगी फेज थ्री के अंदर यू विल बी सेटिंग द डिजाइन पैरामीटर फॉर एग्जाम्पल आर द बाउंड्रीज ऑफ द प्रोसेस कब स्टार्ट हुआ कैसे स्टार्ट हुआ किसने स्टार्ट किया कैसे एंड होगा और किन कंडीशन पे एंड होगा इवेल्यूएटिंग दल्टरनेटिव तो फेज थ्री इज एक्चुअली डिजाइनिंग फेज जिसके अंदर आप ये सारे टास्क कर रहे होंगे सेटिंग पॉलिसी एंड कंट्रोल्स अगर कोई नई चीज आपने ऐड करनी है उसकी बेस पे पॉलिसीज एंड कंट्रोल्स ऐड करेंगे अदर इश्यूज इंक्लूड

क्या कंडीशन थी उसकी बेस पे क्या पॉलिसीज और कंट्रोल्स चेंज होंगे और ऑर्गेनाइजेशन चेंज अगर इट आ, अगर आपने उस प्रोसेस चेंज के बाद कोई वर्क स्ट्रक्चर के अंदर कोई चीज चेंज हुई है तो डेफिनेटली यू हैव टू डॉक्यूमेंट ताकि आपको ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग हो कि प्रोसेस की प्रॉब्लम क्या थी किस तरीके से आपने आइडेंटिफाई किया एनालाइज किया डिजाइन किया और अब आपने उसे इंप्लीमेंट करना